क्या आप चाहते हैं अपनी इंटरनल स्टोरेज से कुछ ट्रांसफ़र कर लें अपनी एसडी कार्ड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संबित, आप देख रहे हैं मैं एसबिट टेक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी जो इंटरनल स्टोरेज होता है जो फुल हो जाता है, अब इसे कैसे मतलब कुछ फोल्डर्स या कुछ वीडियो सॉन्ग या फोटोज़ आप इसे कैसे ट्रांसफ़र कर लें अपनी एसडी कार्ड में। तो इसके लिए एक सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज से आप इसे एसडी कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो एक सिंपल से ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और आपका ज़रूर ये सक्सेसफुल होगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आ चुके हैं अपने फ़ोन पर। फ़ोन पर आने के बाद आपको सिंपल से जाना है अपनी माई फाइल पर। फाइल पर आने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन आ रहा होगा, देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज और एसडी कार्ड। तो मैं आपको पहले एसडी कार्ड में जाकर एक नया फाइल बना के आपको दिखा देता हूँ गाइस। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट फोल्डर पर ओके करना है और यहाँ पर कुछ आपको सेव कर, जैसे कि मेरा नाम मैं सेव कर देता हूँ संबित। ओके गाइस, यहाँ पर एक मतलब देख सकते हैं नीचे एक फोल्डर जो है क्रिएट हो चुका है एसडी कार्ड में संबित। तो यहाँ पर देख सकते हैं संबित में कुछ नहीं है, कुछ फोटो या वीडियोज़ कुछ नहीं है, मैं आपको ट्रांसफ़र करके यहाँ पर दिखाऊंगा। तो चलते हैं बैग। बैग आने पर यहाँ पर फिर से आपको इंटरनल स्टोरेज पर जाना है। स्टोरेज पर आने के बाद यहाँ का नीचे गाइस आप जो भी ट्रांसफ़र करना चाहते हो यहाँ से इसे कर सकते हो। मैं जैसे कि आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता हूँ DCIM का जो कुछ वीडियोज़ हैं। यहाँ पर कैमरा पर चलते हैं, कैमरा पर गाइस देख सकते हैं मेरी कुछ वीडियोज़ हैं, फोटोज़ हैं। तो मैं इसे कैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये कुछ फोटोज़ हैं, मैं उसे सारी की सारी जो है ट्रांसफ़र कर लूँगा एसडी कार्ड में। उसके लिए आपको सारी की सारी इसे टच करना है। टच करने के बाद गाइस इसे सबको आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ और उसे मैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है देख सकते हैं मूव, मूव पर आपको ओके कर देना है। जिससे ओके करेंगे उसके बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको फिर से अपनी एसडी कार्ड में आना है। एसडी कार्ड में आपको जहाँ पर ट्रांसफ़र करना है उसके उस फाइल में जाना है। जैसे कि मैं संबित पे जैसे चलता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ नहीं, उस पर मैं आपको ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको मूव हियर पर ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं नीचे जो है ट्रांसफ़र हो रहा है गाइस, टाइम लग रहा है गाइस, ट्रांसफ़र हो रहा है मेरा धीरे धीरे से। आप देख सकते हो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो है गाइस ट्रांसफ़र हो चुका है संबित जी इस फाइल पर एसडी कार्ड में। तो मैं आपको फिर से इंटरनल स्टोरेज पर जाकर दिखा देता हूं और एसडी यानी DCIM में जाकर आपको दिखा देता हूं गाइस। तो जो इस DCIM पर आने के बाद आपको कैमरा पर आने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब की सब जो है ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे एसडी कार्ड में। तो मैं आपको एसडी कार्ड में फिर से जाकर दिखा देता हूँ। तो ये मेरा एसडी कार्ड आने के बाद मेरा फाइल जो है संबित। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी जो वीडियोज़ या फोटोज़ हैं यहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है। तो गाइस ट्रिक कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। तो गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। गाइस सब्सक्राइब कर देना बिल्कुल फ्री होता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और पास में दिया बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में।